नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। तीसरी राशि लेते हैं जैमिनी यानी मिथुन राशि। 1 अगस्त बहुत बढ़िया दिन रहेगा जब आप एक सुव्यवस्थित व सुसंगठित मस्तिष्क के स्वामी रहेंगे, यानी कि जो कुछ भी आप सोचेंगे वो बहुत सधा हुआ होगा, आपका फोकस अच्छा होगा, दूरदृष्टि बढ़िया होगी और लोगों के प्रति आपका नज़रिया बड़ा पॉजिटिव होगा। क्योंकि आपका नज़रिया बहुत पॉजिटिव होगा इसलिए सारी चीज़ें 1 अगस्त को आपके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। 1 अगस्त को परिवार में खुशियों का माहौल, खुशियों का वातावरण बना रहेगा। हो सकता है आप किसी समारोह इत्यादि में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किए जाएं। अगर आपकी आयु विवाह के योग्य हो गई है तो आपके विवाह के ऊपर परिचर्चा चल सकती है, रिश्ता आ या जा सकता है। 1 अगस्त के दिन परिवार व मित्रों के साथ बहुत बढ़िया समय बीतेगा आपका, बहुत ही खुशहाल और सुखी आप रहेंगे। 1 अगस्त के दिन आपके सानिध्य में आने वाले लोग, वो लोग जो आपसे इंट्रोड्यूस होंगे, उन्हें भी एक प्रकार की शांति और खुशी का अनुभव जरूर होगा। 2 अगस्त के दिन काफ़ी ऊर्जावान आप रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी आप अपने अंदर फील करेंगे जो आपको बूस्ट करती रहेगी, आपको मोटिवेट करती रहेगी। लेकिन ये मोटिवेशन इतना ज़्यादा होगा कि आप कुछ नया करने के बारे में विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने विचारों को एग्जीक्यूट करें, काम पर लगा दें। लेकिन यहाँ आपको ज़रा सा रुकना चाहिए और अपने विचारों को थोड़ा सा छानना चाहिए, उसके नुआंसेस बारीकियों को ढूंढना चाहिए और उसकी कमियों को ठीक करने के बाद ही उस पर अमल करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि 2 तारीख को आप किसी को प्रॉमिस ना करें, क्योंकि 2 तारीख को आपके द्वारा किया गया प्रॉमिस आपकी ओर से तोड़ना आपको ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 3 अगस्त के दिन आप सामाजिक दृष्टि से काफ़ी सक्सेस रहेंगे, परिवार व समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वीकारता जो है वो बढ़ जाएगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे, सराहेंगे, आपके विचारों के प्रति लोग सम्मान की भावना प्रदर्शित भी करेंगे। हो सकता है कि आपका कोई विचार दूसरे लोगों को इतना बढ़िया लगे 3 तारीख को, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा कार्य 3 तारीख को आप ना करें जो अनैतिक हो या आपकी इमेज को घटाने वाला हो। 3 अगस्त के दिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति रहें जो सुनने का काम ज़्यादा करेगा, बोलने का कम, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4 अगस्त के दिन आप थोड़ा रूड हो सकते हैं, आपके रुखे व्यवहार के कारण लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं या दुखी हो सकते हैं। लोगों की नाराजगी को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी 4 अगस्त के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो किसी गंभीर मामले पर बहुत अच्छा निर्णय दे सकता है और ऐसे व्यक्ति भी रहेंगे जिसकी सलाह लेना दूसरों के लिए फायदेमंद होगा। अब आप ये जान गए हैं कि आपकी सलाह दूसरों के काम आएगी, लेकिन ये भी जान लीजिए कि सलाह तभी दीजिएगा जब आपसे मांगी जाए, बिना जरूरत के सलाह मत दीजिएगा वरना आपकी अपनी प्रतिष्ठा में थोड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। अपनी इमेज का 4 अगस्त को आप बहुत ध्यान रखें और ये याद रखें कि 4 अगस्त के दिन आपके द्वारा जो किया गया व्यवहार है, जो आप कुछ कर रहे हैं, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, ये दूसरों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। इसलिए अपने क्रियाकलापों पर, अपने व्यवहार पर, अपने जो कुछ आप बोलते हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखें और संयम के साथ रहें। ओवरऑल इन 4 दिनों में किसी प्रकार की ज़्यादा समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 2 अगस्त का दिन चूंकि आप बहुत एनर्जीफुल रहेंगे इसलिए प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है, बाकी 3 दिन अच्छे हैं। और वैवाहिक संबंधों के लिए 1 तारीख सबसे अच्छी है, 2, 3, 4 सामान्य और ठीक ठाक हैं, जबकि वाणिज्यिक दृष्टि से अगर देखें तो 3 अगस्त का दिन सबसे बेस्ट है, बाकी 3 दिन सामान्य हैं। तो दोस्तों यह था दैनिक राशिफल 1 से 4 अगस्त तक के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।